topic is locomotion and movement. ओके इधर आ जा बेटा, इधर आगे बैठ। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बहुत सारी बातों के लिए हमारा चैप्टर वन बड़ा बेसिक चैप्टर है। बहुत सारी बातों में एक बात था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं, वैसे एक रिवीजन भी हो जाए तो लोगों का मन अच्छा हो जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, बस 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 समझते हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनके अंदर कॉन्सियसनेस पाई जा सकती है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस दुनिया में जो जिंदा लोग हैं, जो लिविंग लोग हैं, उनकी कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी और एसोसिएट करती है, द सिंगल वन मोर प्रॉपर्टी विच एसोसिएटेड विद दिस, सही है? ओके गुड। सो एक प्रॉपर्टी और है, इस प्रॉपर्टी का नाम है मूवमेंट। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि जो जिंदा है वो मूवमेंट करेगा ही, या फिर मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो मूवमेंट कर रहा है वो जिंदा है, दोनों बातें नहीं। कल को तुम बोलो कि सर एक धूल का कण मूव कर रहा है तो वो लिविंग हो गया, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैंने कहा कि इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ एक और प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एसोसिएट करते हैं, इसका नाम क्या है? और इस मूवमेंट को समझाने के लिए वो आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कुछ सिंपल मूवमेंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स अ सिंपल मूवमेंट्स। और इन सिंपल मूवमेंट में जो सबसे सिंपल मूवमेंट है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, याद करो आपको मैंने क्या नाम दिया था, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। इतना सिंपल सा मूवमेंट है, नाम बताओ क्या है? साइटोप्लाज्म। बोलते हैं इन्हीं एसोसिएशन में, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वाले एसोसिएशन में हम लोग पांच किंगडम को एक साथ रिलेट कर लेते हैं। चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थोड़ा रिवीजन करते हैं, करें? चलो बोलो, पहला किंगडम मोनेरा। हाँ मेरे बच्चे, प्रोटिस्टा, वेरी गुड, फंजाई, प्लांट, प्लांट के बाद एनिमल, बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। बोलो कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। अच्छा मोनेरा में कौन होता है, याद है आपको? मोनेरा में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। कौन पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। और आपको मालूम है हर बैक्टीरिया मूव नहीं करता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया मूव करते हैं भाई, फ्लैजेला। देखो कितने अच्छे बच्चे हो तुम, फ्लैजेला से मूव करते हैं। किससे? फ्लैजेला। अच्छा भाई चलो प्रोटिस्टा का रिवीजन करते हैं, करें? यस सर। हाँ भाई प्रोटिस्टा का रिवीजन करते हैं। प्रतीक्षा जी खड़ी हुई है। प्रोटिस्टा का पांच ग्रुप जो है, प्रोटिस्टा के पांचों चाहिए मुझे। यस, पहला कौन सा ग्रुप है? क्राइस्टोफाइट, वेरी गुड। दूसरा ग्रुप है डायनोफ्लैजेला, वेरी गुड। तीसरा ग्रुप है
इट इज यूग्लिनोइड, अच्छा है, स्लाइम मोल्ड भी बोल सकते थे, यूग्लिनोइड्स याद है। और चौथा स्लाइम मोल्ड, वेरी गुड स्लाइम मोल्ड। और पांचवा, और पांचवा है प्रोटोजोआ। और देखिए कोई भी स्टडी अगर सीक्वेंस में की जाए वो हमेशा कॉन्सेप्चुअल ही होती है, और जब भी हम लोग रट्टा मारते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। चलो भाई, पहला कौन, क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोफ्लाइट, तीसरा यूग्लिनाइड, चौथा पांचवा प्रोटोजोआ। इनमें से क्राइसोफाइटा को प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटॉन्स। इसका मतलब इन्हें मूवमेंट पैसिवली करना है। कैसी? पैसिवली। इनके पास सीलिया, फ्लैजला, सूडोपोडिया कुछ भी नहीं है, ये केवल फ्लोट करते हैं, और फ्लोट करने वाले प्लैंकटॉन्स। किस बोलो? एंड दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज एज फाइटोप्लैंकटॉन्स। किसी को याद है क्राइसोफाइटा में कौन कौन? दो, एक था डायटम, एक था डेस्मे। पक्का? इसके बाद आया डाइनोफ्लैजलेट। भगवान ने इन्हें भर भर के फ्लैजला दिया है, एक लॉन्गिट्यूडनल। डाइनो मतलब दो, दो नहीं है, दो एक्चुअली दो तरीके का, यस, एक बड़ा और एक छोटा नहीं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। इसलिए इनका मूवमेंट कैसा है? लीनियर की बेटा साइक्लिकल, साइकिल। तो याद रखना डाइनोफ्लैजलेट के पास फ्लैजला है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप, ऐसा पढ़ेंगे तो कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, और किसी भी टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे यार मेरी आज दोपहर बाद नींद नहीं आई मेरे को, तुमको लेने की जरूरत नहीं है टेस्ट सीरीज, बता दिया बस। बात एक चीज बता दो, दुनिया भर के लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और बिना किसी रिवीजन के। इन्होंने कहा टेस्ट सीरीज दे दो रिवीजन के साथ, मैं तुम लोग का रिवीजन अलग से कराऊंगा, लेकिन एग्जाम खत्म होने, एक चैप्टर खत्म होने, चैप्टर चैप्टर खत्म होने के बाद। कब खत्म हो रहे हम लोग के चैप्टर? 14 अप्रैल। कब? 14 अप्रैल। लेकिन अगर उसके पहले चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं, बाकी 14। अरे भैया हमको छोड़ दो। हाँ चलो अब बताओ ये कौन सा है? यूग्लिनाइड। वो कह रहा सर पढ़ाओ। बेटा हम तुम्हारे नौकर है ना, अब यहीं आएंगे तो बहुत ही मारेंगे। अच्छा यूग्लिनाइड याद है आपको? यूग्लिनाइड के पास फ्लैजला है, एक की दो, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, तो दो फ्लैजला हो गए, तो यूग्लिनाइड भी निकल लिया। अब बताओ कौन बचा? स्लाइम। लोकोमोशन करता है बाई सूडोपोडिया। फिर से बोलो, सूडोपोडिया से लोकोमोशन करता है। और ये जो सूडोपोडिया होते हैं बेटा, ये बनाते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। किसे? साइटो। अब बचे प्रोटोजोआ। बोलो कौन? प्रोटोजोआ। कितने ग्रुप? चार। चारों याद है? पहला कौन? अमीबॉय, अमीबॉय, अमीबा है। दूसरा सीलिएटा, बोलो याद है? तीसरा फ्लैजलेटा, याद है? और स्पोरोजोआ कौन मूव नहीं करता? स्पोरोजोआ मूव नहीं करता। पता, अमीबॉइड सीडोपोडिया से मूव करते हैं, और सीलिएटा सीलिया से, फ्लैजलेटा फ्लैजला से। फिर बेटा फंजाई आया, फंजाई के पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है। फिर कौन आया? प्लांट। प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेंडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियो। जिनमें एल्गी, वो भी कुछ एल्गी, सम लोअर एल्गी, और वो भी बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो किसके मेंबर है? मोनेरा। पक्का? अदरवाइज एल्गी का मूवमेंट बेटा फ्लोटिंग वाला है। और बचे कौन? एनिमल। ये है राजा, क्योंकि यही मूव करते हैं सबसे बेस्ट। इनका मूवमेंट इज द बेस्ट मूवमेंट। एनिमल को बेटा मूवमेंट के हिसाब से ही जाना जाता है, जो एक जगह ना रुके वो एनिमल। यस और नो? हम लोग क्या है? प्लांट है। हम लोग एनिमल है। यस। अब बेटा बोर्ड में जो कुछ भी आपकी अपने ब्रेन में निकाल रखो और आगे बढ़ जाओ। चलो हमारे चैप्टर का नाम और बोलो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं? जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गन। और इसके साथ क्या है बेटा? इसके साथ क्या आपके पास लोकोमोशन है? और उस लोकोमोशन में, याद रखना, उस लोकोमोशन, सॉरी
उस मूवमेंट में हमने मूवमेंट पकड़े, सबसे सिंपल मूवमेंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, फिर से बोलो। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बाद हम लोगों ने बात की बेटा कुछ सिंपल मूवमेंट में, पांच किंगडम, पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांट एंड पक्का। तो मोनेरा किससे मूव कर सकते हैं, करेंगे कि कर सकते हैं, फ्लैजला, बैक्टीरिया फ्लैजला से कर सकते हैं। प्रोटिस्टा में कितने लोग, पांच, जवाब दो, क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा मूव, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं हो। अच्छा दूसरा डायनोफ्लैजला, कितने फ्लैजला, दो। इसके बाद यूग्लिना, फ्लैजला दो, एक बड़ा और एक स्लाइम लो, स्यूडोपोडिया याद है, और बचे कौन, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कितने, चार, अमीबा, सीएटा, और स्पोरोजोआ मूव नहीं करता। फिर आया फंजाई, फंजाई के बाद प्लांट, प्लांट के बाद एनिमल, एनिमल के किंगडम 11, कितने, सुबह पढ़े थे हमने, पहला और हर बंदे का अपना लोकोमोटरी ऑर्गेनेल अलग, और जिसमें पोरी फेरा अपना मूवमेंट नहीं करते, बाकी सारे लोग मूवमेंट करते हैं। पोरी फेरा जमीन के साथ अटैच होके रहता है, सेडेंटरी हैबिट, बोलो। फिर आता है सीलेंटेटा, और सीलेंटेटा पढ़ रहा है केवल, जवाब तो ये, सीलेंटेटा में दो, एक पॉलिप और एक मेडुसा, कौन मूव नहीं करता, पॉलिप, कौन मूव करता है, मेडुसा, एक पॉलिप जो मूव कर सकता है, हाइड्रा, हाइड्रा इज अ पॉलिप विच कैन ओके। टीनोफोरा के पास कॉम्ब जेलीज, कॉम्स है, और फ्लैजला, फ्लैजला है। उसके बाद आया प्लेटी हेलमेट, ज्यादातर मेंबर एंडो पैरासाइट। देखा मैंने जैसे पढ़ाना चालू किया कुछ लोग इधर उधर बगले झांकने लगे, मेरे साथ रिवाइज करो, रिवीजन हो रहा है, फिर मत कहना रिवीजन नहीं कराया। प्लेटी हेलमेंटिस हो गया, एसके हेलमेंटिस के मेंबर एंडो पैरासाइट। फिर आया एनेलिडा, बोलो क्या, अच्छा एनेलिडा पे है SFCT याद है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, और कुछ था, पैरापोडिया नेरिस में था। एनेलिडा के बाद आया आर्थ्रोपोडा, भगवान ने क्या नहीं दिया, विंग्स दिए, लेग दिए, छह छह पैर, हेक्सापोडा, आठ पैर, एरेक्निडा, एरेक्निडा याद है, बताओ बताओ भाई आपको, मधुमक्खी में कितने पैर, छह, मकड़ी में आठ, स्पाइडर में आठ, और खूब सारे विंग्स दिए, कॉकरोच के पास विंग्स, मच्छर के पास विंग, मक्खी के पास विंग, कितना लोकोमोशन पढ़ोगे बाबा। मोलस्का फुट याद आया, इकाइनोडर्मेटा टियोफिट, अब ये क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, केवल रिवाइज करा रहा हूं। अबे आओ हेमिकॉर्डेटा याद आया, टेल, अरे तीन पार्ट था याद है, कॉलर, प्रोबोसिस, टेल याद है, ट्रंक, और इसके आया कॉर्डेटा, बोलो क्या, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में फिन्स, लिम्स, विंग्स, बोलो, फिन्स, लिम्स, विंग्स, मछलियों में फिन्स याद रहेगा, रेप्टाइल मैमल में विंग्स, नहीं नहीं लिम्स, और पक्षियों में विंग्स। कुछ बचा, नहीं बचा, ए मजाक नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। अब आइए टाइप ऑफ मूवमेंट, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ मूवमेंट। सूर्य तुम आजकल बहुत लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई नहीं, ताकत कम, गुस्सा ज्यादा, मार खाने की इच्छा ज्यादा, मतलब समझ रहे हैं, हाँ ये सब मार खाने की इच्छा होती, कौन मारेगा, हाँ हाँ। टाइप ऑफ मूवमेंट दो प्रकार के, एक का नाम है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इसे नोट करिएगा, एनसीईआरटी ने केवल लाइनें खर्च की है, मैंने इसको अलग से डिफाइन किया। दूसरा है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन,
और समझना बहुत जरूरी है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर एंड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में द ऑर्गेनिज्म डोंट चेंज इट्स प्लेस, अपनी प्लेस चेंज नहीं करता, लेकिन अपने बॉडी के कर्वेचर को मूव कराता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ बॉडी। Without changing the place, and these type of movement are known as tropic movement. याद रखना, कभी मत भूलना इस बात को, tropic movement. मैं बोलूं tropic movement, it is movement of curvature. फिर से बोलूं, what is tropic movement? मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अभी देखना कितना बढ़िया लगेगा आपको जब इसके नाम सुनोगे, जड़ों का मूवमेंट जियोट्रॉपिज्म। बोलो, जियोट्रॉपिक है रूट्स। रूट्स जो होती हैं ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, इट इज नोन एज जियोट्रॉपिक। स्टेप एंड ब्रांचेस, ब्रांचेस एंड स्टेम, ब्रांचेस एंड स्टेम दे मूव फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ मूव करते हैं, जो लाइट की तरफ मूव करे इट इज फोटोट्रॉपिज्म, जो ग्रेविटी की तरफ मूव करे इट इज जियोट्रॉपिज्म। हाँ प्रीति, कड़ियो, इट इज स्टिग्मा, इट इज स्टाइल एंड देन ओवरी एंड देन इट इज ओव्यूल एंड देन एम्ब्रियो सैक। जरा मुझे बताना, एम्ब्रियो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ठीक है। इस अपरेटस का नाम एग अपरेटर और इन सेल का नाम सिनर्जिड। सिनर्जिड के पास फिलिंग फॉर्म अपरेटस, यहां पर आया पॉलन ग्रेन। फिर से बोलो, पॉलन ग्रेन अपनी जगह चेंज करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, लेकिन क्या मूव कराएगा? पॉलन ट्यूब। बोलो, टूवर्ड्स सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या निकालेंगी? केमिकल्स। बोलो, और इस केमिकल की तरफ मूव करेगा, इट इज नोन एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। बोलो, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। हमको इन सब चीजों से क्या पता चला? व्हाट इज ट्रॉपिक? क्या पता चला? अपनी जगह बदलेगा? नहीं बदलेगा। और क्या बदलेगा? कर्वेचर। जरा देखो, मैं अपनी जगह खड़ा हुआ हूं, इट इज टैक्सिक और ट्रॉपिक, बट इट इज नॉट द टैक्सिक, इट इज अ ट्रॉपिक। And now movement of locomotion, it is the movement of organism with respect to place. With respect to place. Place के respect में आप अपनी body को move कराओ, यानी अब की बार आपको place change करनी है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, प्लेस वही है कि चेंज कर रहा हूं, चेंज। अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो ये मूवमेंट है, ये क्या है? मूवमेंट। लेकिन कैसा? कर्वेचर का कि लोकोमोशन? तो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन दे आर टर्म एज टैक्सिस मूवमेंट। ये सब याद रखिएगा, टैक्सिस, टैक्सिस मूवमेंट। जैसे वो ट्रॉपिक मूवमेंट थे, ये टैक्सिस मूवमेंट है। और शब्द टैक्सी यहीं से बना हुआ है। टैक्सी का मतलब ही होता है जो आपको रामा देवी से बारा देवी पहुंचाते, व्हाट इट मींस, उसने आपकी पोजीशन वही रखी कि बदल दी रावतपुर से कल्याणपुर, इट इज टैक्सी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टैक्सिस मूवमेंट, इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। अब अगर आप प्लेस चेंज कर रहे हैं तो टैक्सिस मूवमेंट है। जैसे एक अमीबा था और वो लाइट की तरफ भागा, किसकी तरफ? लाइट, लाइट की सोर्स की तरफ भागा अमीबा, इट इज नोन एज फोटोट्रॉपिक की टैक्सिस। फोटोटैक्सिस। तो आपको मूवमेंट ऑफ कर्वेचर करना है, दैट इज नोन एज टैक्सिस मूवमेंट। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट डू यू नो? तो एक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, दूसरा मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अच्छा, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन की तो भयानक लिस्ट है, जैसे वॉकिंग,
अब आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है तो मैं लिख रहा हूं, वरना मैं नहीं लिखता। आप बोलोगे ये भी लिखा है, हाँ लिखा है, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, इसके अलावा फ्लाइंग एटसेट्रा, ये सारे मूवमेंट टैक्सिस मूवमेंट है। सो डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट यू नो? टू, वन इज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, दूसरा मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। सो बोलते हैं एवरी मूवमेंट, एवरीवन हियर, एवरी मूवमेंट कैन नॉट बी लोकोमोशन, बट एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट। फिर से बोलो, मैंने समझा, एवरी मूवमेंट इज अ नॉट अ लोकोमोशन। बताओ, प्लांट यहां पर खड़ा हुआ है, तो हमारे घर के बाहर एक नीम का पेड़ है, आज यहाँ है परसों पड़ोसी क्या मिलेगा, उसके बाद और अलग, तो बताओ क्या हमारा प्लांट मूव नहीं कर रहा? कर रहा है। किस में? जड़ों में, तनों में, ब्रांचेस में मूव कर रहा है, लेकिन लोकोमोशन तो क्या है, पौधा मूव नहीं कर रहा है, लेकिन क्या नहीं कर रहा, लोकोमोशन। सो एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन। ये एनसीईआरटी में जहां लिखा है उसे अंडरलाइन कर लेना। वो लिखते हैं एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट इज, अरे बड़ा बड़ा लिख रहे, बोल तो रहे बड़ा बड़ा, इमला नहीं पढ़े हो? अच्छा नहीं पढ़े तो ले बड़ा बड़ा, ले अभी दिखाई पड़ रहा, एवरी लोकोमोशन, बस बदतमीजी मत करना, बाकी सब कुछ अलाउड है, क्योंकि हम सारी बदतमीजी समझते हैं, हम वो टीचर नहीं है जो हम समझेंगे और फिर बोलेंगे, हम समझेंगे भी बताएंगे भी कि तुमने कौन सी बदतमीजी की थी और मारेंगे भी, हमको शर्म नहीं आती, मेडिकल कॉलेज जाने का बहुत फायदा है, और यहाँ बैठा हुआ हर लड़का और लड़की जानता है कि तुम्हारे हर एक शब्द के पीछे का दू अर्थ क्या है, समझ रहे हो, इतने बड़े सब लोग, और फिर हम मारेंगे भी और बताएंगे भी कि क्या कह रहे थे, और तुम्हारे पिताजी को फोन करके वही शब्द बताएंगे कि ऐसा कह रहा था, और उनको भी मालूम होगा कि उसका मतलब क्या है। हाथ है वो कहेंगे अच्छा इसमें गलती क्या है, तो फिर मुस्कुराएंगे अंदर अंदर, कहेंगे है तो यार। सो एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन। अब वो इसको समझाने के लिए तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एनसीईआरटी के मैं किसी भी एग्जाम्पल को एकदम गीता कुरान मान करके पढ़ता हूं। पहला एग्जाम्पल वो कहते हैं कि देखो, जब कभी भी पैरामीशियम तुम्हें दिखाई पड़ जाए और वो अपने सीलिया मूव कराए, क्या मूव कराए, सीलिया, और सीलिया मूव करा करके प्लेस बदल दे, क्या बदल दे, तो ये क्या है, तो बंदे ने अपने सीलिया से मूव करके प्लेस बदल दिया, इट इज अ लोकोमोशन। फिर बोले पैरामीशियम उसी जगह खड़ा है और वो अपने सीलिया को बेटा टैप कर रहा है, उसकी वजह से पानी इधर की तरफ आ रहा और पानी के साथ खाना अंदर आ रहा, फूड आ रहा, बताओ वो मूव कर रहा कि नहीं, नहीं, कौन नहीं मूव कर रहा, पैरामीशियम मूव, लेकिन बेटा फूड मूव करके अंदर आ रहा, बताओ ये लोकोमोशन है कि मूवमेंट, मूवमेंट, और ये द सेम ऑर्गन, द कैन परफॉर्म लोकोमोशन एंड सेम ऑर्गन कैन परफॉर्म मूवमेंट। चलिए मेरे में ध्यान दीजिएगा, यस व्हाट इट इज, किस ऑर्गन से, पैर से, नाउ व्हाट इट इज, यह लोकोमोशन नहीं है, मेरे वही ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, मूवमेंट, लेकिन लोकोमोशन नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि प्लेस चेंज नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने हाइड्रा से दिया, किसे दिया, हाइड्रा, बोलते हैं हाइड्रा नाम का प्राणी है, अगर वो अपने टेंटेकल्स चलाए, क्या चलाए, टेंटेकल्स,
तो इन टेंटिकल की मदद से मूव कर सकता। मुझसे पूछो चित्रांश। हाँ कोई बात नहीं, तुम मुझसे पूछो बेटा प्लीज। है तो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ भी होते हैं, मूवमेंट ऑफ स्टिबुलस भी होते हैं, देयर आर सो मेनी मूवमेंट। अगर उनमें जाओगे तो दीज आर द नास्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, एंड प्लीज डोंट डू दिस। हाँ ये जो ग्रोथ है ये भी एक मूवमेंट पैदा करती है। इवन द ग्रोथ कैन प्रोड्यूस द मूवमेंट, इवन द ग्रोथ। सीरियस, अभी मैं इनके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। मोनोकॉट की एक पत्ती वर्ल्ड थी, क्या थी वर्ल्ड, उसके अंदर थी बुली फॉर्म सेल्स। बोलो क्या बुली फॉर्म, पानी भरा और वो खुल गई, इसके दौरान ग्रोथ भी हो रही, एंड दीज आर द नास्टिक मूवमेंट। बोलो क्या, एपीनास्टी, हाइपोनास्टी। कमल का फूल शाम होते ही बंद हो गए, सुबह होते ही खुल गया। छुई मोई द ग्रेट एग्जाम्पल, टच मी नॉट, छूते ही उसने पत्तियां ड्रूप कर ली, थोड़ी देर बाद फैला दी। सो देयर आर सो मेनी मूवमेंट, दीज आर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ट्रॉपिक मूवमेंट आर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, इवन द एपीनास्टी एंड द हाइपोनास्टी आर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। इसीलिए मैं एनसीईआरटी की लाइनें भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ यू वॉन्ट टू नो दैट, अगर आपका मन कभी ऐसे करे कि सर ने उल्टा पढ़ाया, प्लीज फॉलो दिस, क्योंकि मैंने पढ़ा है, सॉरी ऑनलाइन बोलना नहीं चाहिए। इट इज एम पी कौशिक, पूरा एक चैप्टर है कि कितने प्रकार के मूवमेंट है। भाई तो और क्वेश्चन क्वेश्चन मन में आ रहा है, मतलब प्लांट ग्रोथ कर रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट। ग्रोथ और मूवमेंट में डिफरेंस है नो डाउट, लेकिन वो मूवमेंट किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से, तभी तो मैं टर्म यूज कर रहा हूं। इट इज अ क्या बोला, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, एंड दैट्स व्हाई मूवमेंट ऑफ ग्रोथ समटाइम नोन एज ट्रॉपिक एंड समटाइम नोन एज नास्टिक। क्या क्वेश्चन पूछा तुमने, समटाइम नोन एज नास्टिक, फोटोनास्टिक, एपीनास्टिक, हाइपोनास्टिक, देयर आर सो मेनी मूवमेंट, इवन थिग्मोनास्टिक। ड्रोसेरा की पत्ती खुली है, अरे वो तुम्हारा एक और था, वो क्या नाम है, पिचर प्लांट। देयर आर सो मेनी मूवमेंट, ग्रोथ भी मूवमेंट दे सकती है, बस इतना बोले। ग्रोथ एंड मूवमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। इसका ये मतलब नहीं जो बंदा मूवमेंट कर रहा है वो ग्रो भी कर रहा होगा। अब मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं लेकिन मूवमेंट कर रहा हूं। ओके मन नहीं भरा, भर गया, थैंक यू। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक किसी भी क्वेश्चन के लिए हां मत करना। मैं आपको और कुछ उदाहरण दूंगा, इसीलिए मैंने चुपचाप अपना डायरेक्शन मोड़ करके एनसीईआरटी पकड़ ली। एनसीईआरटी पकड़ते ही मैंने कहा एक एग्जांपल, पैरा मिस, क्या वो सीरिया मूव करा रहा है? और सीरिया मूव करा करके वो एक काम कर रहा कि दोनों, दोनों। अगर सीरिया से खाना बुला रहा हाँ मूवमेंट है, और अगर वो बेटा सीरिया से खुद मूव कर रहा हाँ इवन, बहुत अच्छी तरीके से फिर से बहुत प्रेसाइज होके बोल रहा हूं, मुझे कोई ईगो नहीं। इवन द ग्रोथ कैन प्रोड्यूस अ मूवमेंट, बट दिस मूवमेंट विल बी फास्ट और वेरी स्लो, वेरी स्लो। ओके गॉट इट, ओके चलो भाई। तो याद रखना एवरी मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन। दो एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल ये हुआ कि भाई हाइड्रा अगर टेंटिकल मूव करके जगह बदल रहा तो क्या हुआ, लोकोमोशन। और अगर हाइड्रा अपने टेंटिकल मूव करके आप अपना फूड पकड़ रहा, इट इज मूवमेंट। सो एवरी मूवमेंट इज अवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, पर एवरी मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन। वॉट इज अ लोकोमोशन, इज द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, इज द मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। आप अपनी प्लेस में भी बदल दिया, बदल दिया। एनीथिंग एल्स, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मन में है, पूछ लो बेटा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाँ शाबाश, ऐसे बच्चे चाहिए, क्योंकि कोई डर नहीं। तो याद रखना दो प्रकार के मूवमेंट मेन, बोलो कौन, एक टैक्सिस और एक ट्रॉपिक, तीसरे नास्टिक होते। तीसरे कौन होते हैं, नास्टिक। मैं छेड़ना नहीं चाहता, खैर एक क्या हो गया,
टैक्सिस ट्रॉपिक नास्टिक, फिर से बोलो, टैक्सिस मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ लोकोमोस, ट्रॉपिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ टूवर्ड्स स्टिमुलस, टूवर्ड्स स्टिमुलस, एंड देयर आर सम मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, एंड विच डज नॉट डायरेक्ट टूवर्ड्स द स्टिमुलस. तुम छुई मुई को कहीं से भी छुओ, उसके ड्रूप करने का तरीका वैसे ही, दैट इज नोन एज नास्टिक. डायरेक्शनल की नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल. खैर, दो मूवमेंट, बड़े बड़े मूवमेंट हुए. इसके बाद आ रहा है आपका नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एंड दिस इन एनिमल्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ये एनिमल में तीन प्रकार का मूवमेंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं. वैसे तो ये चार है, लेकिन मैं भी तीन ही बोलूंगा. टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल, रादर इस पूरी टॉपिक का नाम होना चाहिए, एनिमल में टाइप्स ऑफ मूवमेंट. तीन में से पहला मूवमेंट है बेटा, यस, अमीबॉइड्स. दूसरा मूवमेंट है सीलियरी, और तीसरा मूवमेंट है मस्कुलर. बोलो कितने प्रकार के मूवमेंट? तीन नंबर. अमीबॉइड, दूसरा, तीसरा मस्कुलर. अगर मैं कह दूं कि ये तीनों मूवमेंट ह्यूमन में पाए जाते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा. वैसे आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आता है. बोलो कौन कौन से तीन मूवमेंट? अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर. क्या मेरे अंदर अमीबॉइड मूवमेंट है? मेरे ना होंगे, मेरी बॉडी में किसी ऑर्गन के होंगे. और क्या मेरे अंदर सीलियरी है? क्या मस्कुलर है? ऐसा. चलिए तीनों के एग्जाम्पल पढ़ते हैं. बोलो कितने प्रकार के? तीन. नंबर वन, अमीबॉइड, सीलियरी, मस्कुलर. फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबॉइड मूवमेंट. देखो भाई, या तो बातें मत करो, या तो आपको आता है तो मैं आगे स्किप कर लू, मसल में सीधे पहुंच, या फिर मेरी बात सुन. अमीबॉइड मूवमेंट इज द मूवमेंट बाय सूडोपोडिया. जो लोग भी सूडोपोडिया बना करके मूवमेंट कर लेते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम लोग अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं. सूडोपोडिया आर नोन एज फॉल्स फीट. फॉल्स फीट, ऐसे फीट जो बनते और बिगड़ते रहते हैं. याद रखना, सूडोपोडिया बनने का मुख्य कारण, पहला कारण है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. बोलो क्या? हाँ, शायद आपने सुना भी नहीं. मान लीजिए ये सूडोपोडिया बन रहा है, दिस इज अ सूडोपोडिया. तो सूडोपोडिया यहां क्यों बना? क्योंकि यहां पर साइटोप्लाज्म बेटा एक पॉइंट में जाकर के इट बिकम फुट लाइक. अब इसी की बदौलत बंदा मूव करेगा. तो याद रखना, यहां पर सूडोपोडिया बनने का कारण है यहां पर साइटोप्लाज्म का मूव करना. किसका मूव करना? और इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतनी जगह पर बल्ज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? बल्ज. और बल्ज हो जाएगी तो क्या बनाएगी? फॉल्स फीट. फिर से बोलो. तो जब भी बेटा सूडोपोडिया बन रहे होंगे, तो भाइयों बहनों मेरी बात ध्यान सुनना, सूडोपोडिया बनने के लिए पहला काम चाहिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. तो हर सूडोपोडिया को बनाने के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की जरूरत है. कुछ लोग बोलेंगे ये भी सर अपने मन से पढ़ा है, घर जाकर पढ़ना, एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि सूडोपोडिया बनाने के लिए पहला काम चाहिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. और इसके अलावा देयर आर सम साइटोस्केलेटन. बोलो क्या? साइटोस्केलेटन. हितेन खड़े हो. साइटोस्केलेटन के तीनों प्रकार. Anyone in class? Good. खड़े. Very good. One is known as. हाँ खड़े. हाँ. Yes. और यहाँ पे पहुँचे आवाज. Microfibril. बाहर आओ. ये उठाओ. और
पारव, आओ आओ आप बैल मुझे मार, इसी को कहते हैं बैल। कौन बेटा, एक मिनट रुकना, आप बैठ जाओ, अभी मैं आपसे पूछता हूं। तुम जितना समय गुजर रहा तुम्हारी बदतमीजी हम बढ़ रही है, और तुमको मैं ही सुधार सकता हूं और कोई नहीं। आओ बोलो, तीनों पार्ट, वेरी गुड। हाँ, तीनों के अलग अलग प्रोटीन, लाओ लाओ, अगली बार पूरी तैयारी के साथ जवाब देना, वेरी गुड, शाबाश, कल चॉकलेट मिलेगी, यस। चलो भाई बिटिया, बता दिया, यही क्या बात है, चलो बताओ सर, बताओ, माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, कौन इसमें इलास्टिक है? पता नहीं। कौन ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने? माइक्रो फिलामेंट किसके बने? एक्टिन और मायोसिन। अगर एक्टिन और मायोसिन है तो कॉन्ट्रेक्टाइल होगा। यस, वैसे सही जवाब था तुम्हारा, बस तुमको यहां बुलाया था, मेरा मारने का मन था। नाटक मत किया करो, ठीक बैठो, चलो। यस, तो कई बार साइटोस्केलेटन मदद करते हैं। साइटोस्केलेटन में कितने प्रकार के थे? तीन। एक कौन? माइक्रो ट्यूब्यूल, बोलो। एक माइक्रो फिलामेंट, फिर से बोलो। और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर से बोलो। नाइन प्लस टू अरेंजमेंट किसका है? रिवीजन हो रहा बेटा। नाइन प्लस जीरो अरेंजमेंट किसका है? एनीवन इन क्लास? हाँ, नाइन प्लस टू, नाइन प्लस टू इज प्लाज्मा, और नाइन प्लस जीरो इज बेसल बॉडी, याद है? और किन का अरेंजमेंट? माइक्रो ट्यूब्यूल, फिर से बोलो। किसमें ट्रिपलेट? नाइन प्लस जीरो में कि नाइन प्लस टू? और किसमें डबलेट? नाइन प्लस टू में। बैठो। तो माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट यानी साइटोस्केलेटन का भी हेल्प मिलता है सूडोपोडिया बनाने में, और सूडोपोडिया से होने वाले मूवमेंट ह्यूमन में होते हैं। ह्यूमन में सूडोपोडिया से होने वाले मूवमेंट करती हैं डब्ल्यूबीसी। नाम तो सुनो, ह्यूमन, व्हाट इज डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड सेल, फिर से बोलो। और इसके अलावा मैक्रोफेजेस, बोलो कौन? मैक्रोफेजेस। अच्छा, किसी को याद होगा कि मैक्रोफेजेस मैंने कहां पढ़ाई थी, याद है? सौरभ बाबू खड़े हो, एरियोलर टिश्यू की सारी सेल्स बताओ। हाँ, नहीं नहीं, सेल के नाम बताओ। आओ, बहुत दिन हो गए तुमको। अगर तुम्हें यह मालूम होता कि किसी भी कनेक्टेड टिश्यू में तीन चीजें, हाँ बच गए, पहला बोलो फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा मास सेल और मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करते हैं। डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस में सूडोपोडिया मूवमेंट होते हैं। और याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया जो मैं लिखने जा रहा हूं, डब्ल्यूबीसी की इसी एक्टिविटी की वजह से डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल्स को आराम से स्क्वीज आउट कर जाती है, आराम से चुप्पे से बाहर निकल आती है, ब्लड में बहते बहते सूडोपोडिया मूवमेंट करके बाहर आ जाती है। दिस मूवमेंट इज नोन एज डायापिडेसिस। नाम तो सुना ही होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा डायापिडेसिस। सो डब्ल्यूबीसी कैन यू नो लीक आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स बाय द अमीबॉइड मूवमेंट नोन एज डायापिडेसिस। फिर से बोलो, डायापिडेसिस। तो जल्दी बताओ, अगर मैं पहला मूवमेंट बोलूं अमीबॉइड मूवमेंट तो क्या बताओगे? मूवमेंट बाय, मूवमेंट बाय सूडोपोडिया बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड साइटोस्केलेटन। दो एग्जांपल एनिमल में, डब्ल्यूबीसी एंड मैक्रोफेज। ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहा, फिर से बोलो।
यस, पहले उतना तो आ जाए जो मैं पढ़ाना चाहता हूं. व्हाट इज अमीबॉइड मूवमेंट? मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया की मदद से होने वाले मूवमेंट का नाम अमीबॉइड. पक्का? अगर सूडोपोडिया बनाने तो दो काम का यूज करना पड़ेगा, एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और एक सूडोपोडिया बन गए. अच्छा, सूडोपोडिया के तो मूवमेंट करना अमीबा का काम है, लेकिन हम लोग अपनी बॉडी में देखना चाहते हैं, ह्यूमन लोग. एक कौन? WBC. दूसरा मैक्रोफेज. नाउ द सीलियरी मूवमेंट, मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ सीलिया, इसे हटा दें. दूसरा है सीलियरी मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट, यस, वैसे तो सीलियरी मूवमेंट करते हैं बेटा आपके पैरामीसियम. कौन करते हैं? पैर. पर हम लोग ह्यूमन में सीलियरी मूवमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. आप इस स्ट्रक्चर को भूले नहीं होंगे. इट इज अ ट्रैकिया, इट इज अ ब्रोंकाई एंड इट इज अ लंग्स. लंग्स है बेटा. अच्छा, ट्रैकिया के अपर बॉर्डर में सीलिएटेड एपिथीलियम होती. बोलो कैसी? सीलिएटेड एपिथीलियम. और ये जो सीलिएटेड एपिथीलियम है, ये झाड़ू लगाती है. क्या लगाती है? झाड़ू. अगर कोई डस्ट पार्टिकल आपकी पास आ रहा है तो बताओ सीलिया उसे आने दे कि भगा देगी? इट इज नोन एज सीलिएटेड एपिथीलियम का मूवमेंट सीलियरी मूवमेंट है. और अगर आप इसे नहीं भूले हो, इसे बोलते हैं हार्ट, यूट्रस, इस ट्यूब का नाम फैलोपियन, और बेटा इसका नाम फेब्री, इनका नाम ओवरी. ओवरी से क्या निकला? सेकेंडरी ऊसा. और इस पे झाड़ू लगी और इसे भेजा गया कहां? यूट्रस. तो क्या फेलोपियन ट्यूब के पास भी सीलिएटेड एपिथीलियम होती है? यस. तो इवन द फेलोपियन ट्यूब दे हैव द सीलिएटेड एपिथीलियम. सीलिएटेड एपिथीलियम से होने वाले मूवमेंट दे आर नोन एज सीलियरी मूवमेंट. वैसे ये मूवमेंट सबसे ज्यादा कहां देखे गए थे? अमीबा में. तो हम भी अपना एक स्ट्रक्चर है जो अमीबा, सॉरी पैरामीशियम. हम भी एक अपना दो स्ट्रक्चर है जो पैरामीशियम की तरह मूव करा सकते हैं. एक कौन? ट्रैकिया. फिर से बोलो. लोअर पार्ट की अपर पार्ट? अपर पार्ट. और इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब. फिर से बोलो. बेटा सीलियरी मूवमेंट के साथ साथ आई वॉन्ट टू डिस्कस द फ्लैजिलर मूवमेंट. याद रखना, अगले टॉपिक में उन्होंने फ्लैजिलर मूवमेंट भी डिस्कस किया, तो क्यों ना मैं इसी टॉपिक में फ्लैजिलर मूवमेंट डिस्कस कर लूं. बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला इज अ आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल. इन एनिमल के केस में फ्लैजिला इज द आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और बेटा इस तरीके के मूवमेंट ट्रिपैनोसोमा करते थे. कौन करते थे? ट्रिपैनोसोमा. नाम सुना है? ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ का नाम है. बोलो क्या नाम है? प्रोटोजोआ. याद रखना ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलर मूवमेंट किया करता था, लेकिन यही फ्लैजिलर मूवमेंट याद रखना कॉलर सेल करती है. कौन? क्वानोसाइट. याद है? कुछ नहीं याद है. कौन सा? पोरिफेरा. याद है? पोरिफेरा में कॉलर सेल्स फ्लैजिलर मूवमेंट करती हैं. अगर ये नहीं याद है, कॉलर सेल नहीं याद है, तो इस स्ट्रक्चर को पहचानो, शायद तुम पहचान लो. एक्रोसोम. यस यस, ये याद रखो. बॉडी और मिडिल पीस. और ये क्या रहा? टेल. और टेल में फिलामेंट है. क्या ये स्पर्म है? तो बताओ स्पर्म का मूवमेंट सीलियरी मूवमेंट है कि फ्लैजिलर? फ्लैजिलर. तो स्पर्म का मूवमेंट इज अ फ्लैजिलर मूवमेंट. तो हमारी बॉडी में हर तरीके का मूवमेंट है. बोलो स्यूडोपोडियल है, सीलियरी है, फ्लैजिलर है. सबके एग्जांपल बताओ. स्यूडोपोडिया कहां पर? दो जगह, WBC और मैक्रो. चलो अब सीलियरी बताओ, दो जगह. बोलो लोअर पार्ट ऑफ ट्रेकिया की अपर पार्ट. और इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब. फिर से बोलो. फेलोपियन. थैंक यू वेरी मच. फेलोपियन ट्यूब. इसके बाद मुझे बताओ फ्लैजिलर मूवमेंट कहां पर? स्पर्म. तो स्पर्म के जो मूवमेंट है वो कैसे मूवमेंट है? फ्लैजिलर. ओके, नाउ द मस्कुलर मूवमेंट, द ग्रेट मस्कुलर मूवमेंट हटा दें. द थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज मस्कुलर मूवमेंट. दे आर द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल.
मस्कुलर मूवमेंट, एंड द मस्कुलर मूवमेंट इज द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स. मसल्स एंड देयर इज एंडलेस, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है. अब देखो बेटा, आईलिड का मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट है, उतनी देर से हम चिल्ला रहे तो टंग का मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट है. इसके अलावा हाँ जॉ लिखा हुआ है, जॉ का मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट है. अभी मेरे लिम्स का मूवमेंट होगा, मैं चलूंगा तो लिम्स का मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट है. अच्छा भाई, मेरी फिंगर का मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट है. इवन मेरी इंटेस्टाइन का मूवमेंट याद है, ऑल्सो नोन एज पेरिस्टाल्सिस. फिर से बोलो, पेरिस्टाल्सिस कैसा मूवमेंट है? मस्कुलर मूवमेंट है. इसके अलावा यूट्राइन मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट. इसके अलावा आप कार्डियक मूवमेंट ले लो, कार्डियक सिस्टोल एंड डायस्टोल, दे ऑल आर मस्कुलर मूवमेंट. सो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, इट इज नोन एज मस्कुलर. बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट दोनों प्रकार के मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी है. बोलो, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी है और मूवमेंट ऑफ लोको. लेकिन अगर आपने मस्कुलर मूवमेंट से मूवमेंट ऑफ लोको मोशन किया तो आप याद रखना आपको बहुत भयानक कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा तीन सिस्टम का. वन इज नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन. आपकी हड्डियां होनी चाहिए, मसल होना चाहिए और ब्रेन. अगर मैं आपकी नर्व काट दूं, जो बेटा जा रही हो आपके लेग में, तो लेग में हो जाएगी पैरालिसिस. क्या हो जाएगी बताइए, मूव करेगा कि नहीं करेगा? अगर बोन टूट जाए तो मूव नहीं करेगा, और मसल कट जाए तो मूव नहीं करेगा. तो बोलते हैं लोको मोशन के लिए वी नीड द कोऑर्डिनेशन. क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेशन, और बहुत भयानक दर्जे का कोऑर्डिनेशन चाहिए तीन सिस्टम में. मैं लिख नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, बताओ. पहला मसल इटसेल्फ, मसल्स. इसके अलावा स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब बोन. और थर्ड इज नर्व, नर्वस सिस्टम, नर्व्स. हाँ भाई, ये वो पार्ट था जो मसल्स के पहले आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मसल सबको आता है. अभी मैं मसल पढ़ाने चालू करूंगा, आपको मजा आने लगेगा. लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से आ गए तो आपको सही करने हैं. यस, यहां तक मुझे पहुंचाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. हटा दें इसे. हाँ चलो, अभी देखें ब्रेन में कितना है. अगर इतना पार्ट आपकी ब्रेन में है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ. चलिए, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं? लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म. क्या इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हो सकती है? मैंने ऐसा कहा कि जो लोग ग्रोथ करें वो लिविंग है? क्या मैंने ऐसा कहा जो लिविंग है वो ग्रोथ करेगा ही? ऐसा कुछ नहीं कहा ना, ऐसा मैंने मूवमेंट के लिए कहा. लेकिन मूवमेंट भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है. यस और नो? वन ऑफ द सिंपलेस्ट मूवमेंट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. राजन, अगर मुझे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखनी है तो मैं कौन सी ग्रास में देखूं? खड़े हो, हे किसी को मालूम है? सी, इट इज हाइड्रिला. कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. लॉन्ग डिस्टेंस की शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस. अब सोचो कहां दिमाग लगाने का समय आ चुका है, पढ़ाई में बैठो. तो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट इज अ सिंपलेस्ट मूवमेंट. इसके अलावा कुछ और मूवमेंट? क्या कुछ लोग मूवमेंट सीलिया से करते हैं? कुछ लोग फ्लैजला, कुछ लोग मसल्स. चलो भाई, अब बातें मत करो उससे, बोलो बातें मत करो. चलो, सारे के सारे फाइलम पकड़ते हैं, मत करो बात, हम इधर करेंगे बात. कर लो पांच किंगडम, बोलो. मोनेरा, रुटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड. फंजाई छोड़ दें? छोड़ दे रहे हैं, ठीक है. अब बचे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल. प्लांट में लोअर प्लांट करते हैं, हायर प्लांट नहीं. और करते नहीं तो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ. फिर मैंने तरह तरीके के मूवमेंट बताए, फिर बताया टोटल कितने टाइप के हैं? दो, नहीं नहीं दो, एक और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, दूसरा
अपनी जगह में रहो, कर्वेचर मूव करता रहे, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर अपनी जगह छोड़ दो, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। कर्वेचर के मूवमेंट का नाम ट्रॉपिक मूवमेंट, बोलो ट्रॉपिक। कई बार नास्टिक भी हो सकता, क्या हो सकता है? नास्टिक। और बेटा मूवमेंट ऑफ टैक्सिस मूवमेंट होगा, तो कितने प्रकार के मूवमेंट? दो, ट्रॉपिक एंड टैक्सिस। समटाइम इट इज नास्टिक ऑल्सो, डायरेक्शनल की नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। फिर मैंने आपको बोला एवरी मूव, एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन। क्या इसका मैंने एग्जांपल बताया आपको? दो लोगों के नाम याद होंगे, एक कौन? पैरामीशियम और एक कौन? हाइड्रा। पक्का? फिर मैंने टाइप ऑफ मूवमेंट ह्यूमन में, एनिमल में बताया। ह्यूमन में कितने टाइप के मूवमेंट? तीन। मैं बोलता हूँ चार, मैं क्या बोलता हूँ? चार, लेकिन तीन है, बोलो। अमीबॉय, सीलिया, सीलिया और फ्लैजला एक ही बात है? यस, क्योंकि दोनों आउटग्रोथ है किसकी? सेल में। अब मेरा जवाब दे दो तो मैं आगे बढ़ू। क्या हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट है? Yes, दो जगह है। Yes, एक कौन? मैक्रोफेजेस, फिर से बोलो। और दूसरा कौन? WBC। और बताओ अमीबॉइड मूवमेंट के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो साइटोप्लाज्मिक स्टेट और साइटोस्केलेटन। क्या होगा जब तुम ये भूल जाओगे? बड़ा गड़बड़ होगा। साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग, चलो एक हो गया, दूसरा याद रहेगा? Yes, बोलो। सीलियरी मूवमेंट, क्या आपकी फेलोपियन ट्यूब में सीलियरी मूवमेंट है? अपर पार्ट ऑफ ट्रैक। क्या फ्लैजलर मूवमेंट भी है? फ्लैजलर मूवमेंट कहाँ है? स्पाइन। और उसके बाद मस्कुलर मूवमेंट है? एंड डू यू नो द मस्कुलर मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ मसल। और अगर मस्कुलर मूवमेंट का यूज करके आप कर रहे हैं लोकोमोशन, क्या कर रहे हैं? तो एक सिस्टम की तीन सिस्टम, तीन सिस्टम बोलो कौन? मसल, स्केलेटन और नर्व का कोऑर्डिनेशन चाहिए। नाउ द मसल इन डिटेल, मसल इन डिटेल, इट इज अ मीजोडर्मल टिश्यू, टिश्यू हैविंग property of contraction, ये एक mesodermal tissue है जिसमें contraction की property होती है। इन contraction की property के साथ, के अलावा नहीं, के साथ चार properties और book में लिखी हैं, underline करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। पहली property है excitability, यानी इस मसल को एक्साइट किया जा सकता है, एक्साइटेबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है एक्सटेंसिबिलिटी, भाई स्पेलिंग देख लेना, मेरी स्पेलिंग कई बार गड़बड़ होती है। एक्साइटेबिलिटी मतलब इसे एक्साइट किया जा सकता है, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब इसको काफी एक्सटेंड तक बड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा इलास्टिसिटी, हीरो पिक्टर कैप, ब्लू कैप, यस, व्हाट इज इलास्टिसिटी? जब खींचे तो खींच जाए, इसका मतलब गीली मिट्टी बहुत इलास्टिक होती है। अब बात मत करना, बात मत करना। अगर किसी वस्तु में स्ट्रेन लगाने पर, क्या लगाने पर? स्ट्रेस लगाने पर, स्ट्रेस लगाने पर वो अपनी पोजीशन वही रखेगी, बदल दे, और स्ट्रेस छोड़ने पर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, क्या ये इलास्टिसिटी है? गीली मिट्टी में एक्सटेंसिबिलिटी तो है लेकिन इलास्टिसिटी, क्या गीली मिट्टी को एक्सटेंड किया जा सकता है? यस सर, लेकिन छोड़ा जाए तो वापस नहीं आए। तो हमारी मसल को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और वो इलास्टिक भी है, यानी अगर छोड़ा जाए तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकती है। तो याद रखना एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इसके अलावा इलास्टिसिटी, इन तीन ई के बाद एक सी भी है इसमें, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। चलो चार मुख्य बातें जो किसी भी मसल में पाई जाती हैं, बताओ। पहला एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी,
इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी किस ओरिजिन की है और इनके पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉन्ट्रैक्शन। और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका मुख्य काम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी मसल ही वो चीज है जो मूवमेंट भी करा सकती हैं और लोकोमोशन भी करा सकती है। अब जो मैं लिखूं वही बोलना और वही लिखना, नहीं मरोगे। याद रखना इन मसल्स को इनकी पोजीशन के हिसाब से कि वो कहां पाई जाती है, याद रखना। इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कैसी दिखती है और इनकी एबिलिटी के हिसाब से, यानी वो किस तरीके का काम कर सकती हैं, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, तीन प्रकार का बांटा गया। कितने प्रकार का? तीन प्रकार। ये तीनों शब्द अलग तरीके से भी आपकी बुक में लिखे हो सकते हैं। एक तो लोकेशन, क्या लिखा हो सकता है? लोकेशन। मैं पोजीशन के बजाय क्या लिखा? लोकेशन, यानी उनकी लोकेशन के हिसाब से कि वो कहां लोकेट है, उनके अपियरेंस के हिसाब से, सही पकड़ लिया तुमने वो जगह देख ली, अपियरेंस के हिसाब से वो कैसी दिख रही है, और नेचर, उनके नेचर के हिसाब से। ये तीन बातें भूलना मत, मजा आ जाएगा। बोलो कौन? लोकेशन के हिसाब से, अपियरेंस के हिसाब से और नेचर के हिसाब से। फिर से बोलो। लोकेशन के हिसाब से और अपियरेंस के हिसाब से और नेचर के हिसाब से इनको तीन प्रकार का बांटा गया है। दे आर द थ्री टाइप ऑफ मसल्स, तीन प्रकार की मसल्स होती हैं। और इनको कितने प्रकार, किस बेसिस पर? अगर ये शब्द ना मिल पाए तो वो एनसीईआरटी। बोलो कौन? लोकेशन। फिर बोलो दूसरा, अपियरेंस। तीसरा, नेचर। ये तो अपना तरीका, पोजीशन, स्ट्रक्चर, एबिलिटी, क्या एबिलिटी है अपने आप की, बिना अपने आप। खैर, अगर आपको ये शब्द याद है, पहला कौन? लोकेशन, दूसरा अपियरेंस और नेचर के हिसाब से। याद रखना मसल्स कितने प्रकार की हैं? तीन। वन इज नोन एज स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। दूसरे प्रकार की मसल है स्मूथ मसल, और तीसरे प्रकार की मसल है जिनका नाम है कार्डियक मसल। वैसे तो मैं इनको तीनों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से तीनों को पढ़ा रहा हूं। बोलो, पहला बोलो, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। बताओ इन तीनों मसल को किन तीन बातों की बेसिस पर? लोकेशन, लोकेशन, अपियरेंस एंड नेचर। और यही तीन बातें मेरे को जल्दी जल्दी बोलते जाओ, मैं आगे बढ़ जाऊं। हटा दो इसे। बताओ कितने प्रकार की? तीन। चलो पहले बोलेंगे स्केलेटल मसल। चलिए स्केलेटल मसल के तीनों पॉइंट, यस तीनों पॉइंट। पहला बोलो लोकेशन, बोलो यस, ऑलवेज अटैच्ड विथ बोन्स। इनकी लोकेशन होगी जहां पर ये बोन होंगी वहीं पर ये मसल होगी, ये लोकेशन। नाउ अपियरेंस, दे अपियर स्ट्राइटेड। कैसे बेटा? स्ट्राइट। ये जो बेटा मसल्स हैं इनमें बैंड प्रेजेंट है और इसीलिए इनमें स्ट्राइसस प्रेजेंट है, स्ट्रिप्ड प्रेजेंट है, धारियां प्रेजेंट है। स्ट्रिप का मतलब धारियां, तो दे आर स्ट्राइटेड ऑन अपियरेंस, स्ट्राइटेड ऑन अपियरेंस, या फिर आप बोल सकते हो दे आर स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड का मतलब इनमें धारियां हैं। कभी आपने जेब्रा देखा है? बताओ जेब्रा में क्या होती है? स्ट्रिप। तो ऐसी स्ट्रिप होती हैं, ऐसी बेटा स्ट्रिप होती है, लाइट एंड डार्क स्ट्रिप। अगर बेटा अपियरेंस में स्ट्रिप्ड हैं और लोकेशन में बोन के साथ है और इनका नेचर होता है वॉलंटरी। बोलो क्या? वॉलंटरी। देखो बहुत सारे लोगों ने, मैंने पहले तीनों बातें समझी नहीं थी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वॉलंटरी का मतलब है क्या? इनका कॉन्ट्रैक्शन हमारे विल पावर पर है। हम जब चाहे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बताओ हम अपनी हाथ की किसी भी मसल को जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस सर। तो हम बताओ वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? वॉलंटरी। क्या ये हड्डियों से जुड़ी है? यस और नो?
और अगर मैं इनको माइक्रोस्कोप में देखूं तो क्या इनमें धारियां दिखेंगी? आप फिर से बोल रहा हूं, एक एग्जांपल देने के बाद फिर से बोल रहा हूं आपसे, फिर से बोल रहा हूं, जरा जवाब देना। यस, जवाब देना भाई। अपने तीन पॉइंट बताओ जिनकी बेसिस पर मसल्स को तीन प्रकार का बांटा गया। पहला लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर। पहली कौन सी? स्केलेटल। बताओ लोकेशन क्या होगी? हमेशा बोन, जहां पर भी बोन होगी वहां पर होगी, और इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी है। और देखने में कैसी? स्टिफ होंगे, लाइट और डार्क बैंड होंगे। और तीसरा वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री। नाउ सेकंड वन इज स्मूथ मसल, कुछ भी नहीं होता, इट इज नोन एज स्मूथ मसल। याद रखना स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो नोन एज विसरल मसल्स, दे आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन। ये ऐसी मसल्स हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं, और मैं एक नहीं जाने कितने एग्जांपल बता सकता हूं। क्या किसी को एलिमेंट्री कैनाल याद है? Yes, चार लेयर याद है? Yes, सबसे बाहर सेरोसा, फिर मस्कुलर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। मस्कुलरिस याद है? Yes, दो मसल थी। Yes, एक और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल, याद रहेगा? तो बताइए एलिमेंट्री कैनाल की जितनी भी मसल हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो या फिर सर्कुलर हो, कैसी हैं? स्मूथ। आपकी यूट्रस की जितनी भी मसल हैं, यूट्रस में पाई जाने वाली मसल, कैसी हैं? स्मूथ। तो सर लोकेशन तो आपने बता दी, अपीयरेंस नहीं बताया। यस, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ही तो इनका नाम है, नॉन स्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रिप्ड, और इनमें कोई धारी नहीं होती। They appear smooth. Smooth appearance होता है, कोई धारियां नहीं होती। और nature involuntary. They are involuntary. इनका contraction हमारे control में नहीं है। बताओ आप elementary canal को अपने हिसाब से smooth करा सकते हो? यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन अपने अपने तरीके से किया जा सकता है? नहीं। तो दे आर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। एंड देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स, दीज आर नोन एज कार्डियक मसल। अच्छा स्मूथ मसल्स मैंने जब पढ़ाई थी तो क्या स्पिंडल शेप मसल थी? दे आर स्पिंडल शेप मसल्स, दे लुक लाइक स्मूथ मसल्स। याद आया आपको? स्ट्राइशन थे कि नहीं थे? नहीं। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मसल, दे आर नोन एज कार्डियक मसल। और याद रखना दे आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है और कहीं नहीं प्रेजेंट होती। अपीयरेंस देखोगे तो इनका अपीयरेंस बहुत ही खतरनाक है। Yes, you know that they are stripped. कैसी बेटा? Stripped. ये stripped मसल है। Intercalated disc पाई जाती है इनमें। They are stripped. Striated. धारियां बनी होती इनमें भी। बट इनकी खास बात है दे आर इनवॉलेंट्री। आपको लगेगा एक छोटी सी बात को सर ने इतनी देर तक खींचा, मैंने नहीं खींचा, एनसीईआरटी ने खींचा, और वो तीन पॉइंट मुझे तुम्हारे दिमाग में घुसा देने थे इसलिए इतना टाइम बताया। बताओ किन तीन बातों की बेसिस पर इन्हें बांटा गया है? लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर। अगर ये तुम नहीं बोलते तो मैं जीत गया, ठीक है? लोकेशन, तीनों की लोकेशन एक साथ बोलनी है। पहले स्केलेटल बोन, स्मूथ इंटरनल ऑर्गन, और मैं बोलूं कार्डियक हार्ट। अब तीनों का अपीयरेंस,
स्केलेटल स्टेप, स्मूथ नॉन स्टेप, कार्डियक स्टेप, हो गया। अब तीनों का नेचर, स्केलेटल वॉलेंट्री, विसरल इनवॉलेंट्री, कार्डियक इनवॉलेंट्री, बस इतना सिखाना था। नाउ वन मसल इज इन डिटेल, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एंड द वन मसल इज इन डिटेल एंड दिस मसल इज नोन एज स्केलेटल मसल। चलिए सबसे डिटेल में है स्केलेटल मसल्स। थोड़ी देर के लिए पेन छोड़िएगा, नहीं तो ये टॉपिक कभी समझ में नहीं आएगा। जब मैं बोलूं कि अब आप लिख सकते हैं, खूब मन भर के लिखिए, खूब मन से, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं तब तक लिखिएगा। एज वी नो द स्केलेटल मसल इज नथिंग बट इट इज अ टिश्यू। क्या मतलब? ये घड़ी सही चल रही? अभी तो पढ़ाना चालू किया हम लोगों ने। पर प्रॉमिस करो यहां से जाते वक्त किसी भी बच्ची को परेशान नहीं करो। मम्मी कसम है सबको? हाँ बोले नहीं, हमने मम्मी कसम नहीं खाई। ना टाइम से छोड़ना पड़ता है। स्केलेटल मसल इट इज अ टिश्यू, इट इज अ टिश्यू, एंड टिश्यू इज अ यस। अगर किसी ने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया वो राजा बाबू। एक्चुअली जब भी मैं मसल पढ़ाता हूँ लोगों को समझ में नहीं आता पढ़ाना क्या चाहते हैं। मैं खुद जब पढ़ता था मुझे भी नहीं समझ में आता था कि सर पढ़ाना क्या चाहते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं खुद नहीं समझ पाता था कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे बता गया कि स्केलेटल मसल हो या कोई भी मसल हो, मसल इज अ टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। थोड़ी देर रुकना, बहुत ध्यान सुनना, मेड अप ऑफ सेल। और याद रखना इनकी सेल का नाम है, यस एवरीवन हियर, इनकी सेल का नाम है मायोसाइट। फिर से बोलो, लेकिन किसी भी सेल का जो बचपन होता है यानी अर्ली सेल होती है इट इज नोन एज ब्लास्ट। बोलो क्या? जैसे इरेथ्रोसाइट इज मैच्योर सेल, इरेथ्रोसाइट इज, इरेथ्रोब्लास्ट इज, फिर से बोलो, इमैच्योर सेल। तो याद रखना स्केलेटल मसल की सेल का नाम मायोसाइट जरूर है, लेकिन जब ये इमैच्योर थी इसका नाम था मायोब्लास्ट। फिर से बोलो, मायोब्लास्ट। और भाइयों बहनों जब मायोब्लास्ट बनी थी, जब तो आपस में फ्यूज हो गई थी। क्या हो गई थी? फ्यूज। और फ्यूज हो जाने की वजह से वो अपनी बाउंड्रीज खो बैठी है कि कौन सेल कहां है, है? क्या बोला? क्या बोला? हमको समझ नहीं आया, हम ही को नहीं समझ में आया। यस, व्हेन द मायोसाइट वाज नॉट द मायोसाइट, इट वाज मायोब्लास्ट, इट वाज अ मायोब्लास्ट। अगर मैं एक सेल मानूं, अगर मैं सच बताऊं एक सेल मानूं, तो एक सेल के पास एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस, दूसरी सेल के पास दूसरा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, तीसरी सेल के पास तीसरा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, चौथी सेल के पास चौथा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, एंड सो ऑन, बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे साइटोप्लाज्म। लेकिन जब ये मायोसाइट बन पाती, उसके पहले जब ये मैच्योर थी, क्या थी? तब इनकी सारी सेल्स आपस में जुड़ गई थी, और जुड़ जाने की वजह से इनकी बाउंड्रीज ही क्लियर नहीं है कि कौन कहां पर शुरू हुआ, कहां पर खत्म हुआ। इसलिए एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर सा दिख रहा, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में एक ही साइटोप्लाज्म में दिख रहे हैं। इट इज known as syncytium. बोलो क्या? Syncytium. तो skeletal muscles actually syncytium या syncytium नाम की structure को पैदा करते हैं, या syncytium. बोलो. What is syncytium? It is multinucleated. फिर से बोलो. बहुत मैं डर रहा हूं अगर क्वेश्चन गड़बड़ हुआ तो सब मरेंगे, मैं तुम सब, फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाने का। मैंने बोला स्केलेटल मसल इज अ टिश्यू, इज मेड अप ऑफ सेल, और ये जो स्ट्रक्चर है ये मसल का नहीं है। फिर तो ये मसल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसका है? सेल का। क्योंकि मसल तो क्या होती है? टिश्यू। मसल तो क्या होती है? टिश्यू।
और मैं टिश्यू नहीं पढ़ा रहा, सेल पढ़ा रहा, सेल का नाम। और मायोसाइट, जब मायोसाइट नहीं थी, इमैच्योर थी, क्या थी? इमैच्योर। क्या नाम थी? मायोब्लास्ट। उस समय बहुत सारी सेल बहुत आपस में फ्यूज हो गई थी और इन्होंने एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाया था। क्या बनाया था? जिसका नाम सीसीसीएम। और इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम सेल कहना भूल गए, बस हम इसको सेल कहना भूल गए और वैज्ञानिकों ने इनको कहना चालू कहा मसल फाइबर। बोलो तो मेरे बच्चे, अगर तुमने आज के बाद मसल फाइबर को फाइबर समझा तो मेरा हाथ तुम्हारी हाथ। मसल फाइबर इज नथिंग, इट इज नॉट अ फाइबर, इट इज अ सेल। और अगर कहीं भगवान की दया से अगर फ्यूजन ना होता तो एक सेल होती कि बहुत सारे। और चूंकि बहुत सारी सेल है नहीं तो लगती एक है, लेकिन एक है कि बहुत सारी, इसलिए इसे सेल भी नहीं बोल सकते, टिश्यू भी नहीं बोल सकते। तो हमने नाम क्या दिया? मसल फाइबर। फिर से बोलो। और यूनिन्यूक्लेट की मल्टी न्यूक्लेट। और इस मल्टी न्यूक्लेट मसल फाइबर में वो सब कुछ है जो सेल में होता है, अच्छा चलो बताओ सेल में क्या क्या होता है, चलो इसको रिलेट करते हैं। सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या इसका नाम प्लाज्मा लेमा होता है? नो सर। अच्छा, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। फिर से बोलो, न्यूक्लियस। नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ मैं, पहले नॉर्मल सेल की बात करो तब रिलेट करेंगे। क्या यहाँ साइटोप्लाज्म होता है? यस सर, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। सर यहाँ पर ईआर होता है, व्हाट इज ईआर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बोलो, नहीं होता है? क्या ये नॉर्मल सेल है? आज मैं तुम्हें प्रूव करने जा रहा हूं मसल फाइबर इज नॉट अ फाइबर, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच लुक लाइक सेल विच लुक लाइक फाइबर। तो बताओ यहां एक सेल है कि बहुत सारे? और इसीलिए क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर से बोलो, अगर तुम किसी भी मसल फाइबर, इट इज अ टिश्यू, बड़ा डर लगता है, इट इज अ टिश्यू, इट इज अ सेल, एंड दैट सेल इज नोन एज मसल फाइबर। और याद रखना, इसीलिए इसकी मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलेमा। याद रखना, आज के बाद सार्क शब्द जहां मिल जाए सार्को, याद रखना इट इज रिलेटेड विद द मसल। बोलो, मसल। कभी तुम्हें बोला जाए सार्कोमा, इट इज अ कैंसर ऑफ मसल। यू गॉट इट? तो बोलो सार्कोलेमा, इट इज जस्ट लाइक, पक्का? अच्छा बताओ इनके साइटोप्लाज्म का क्या नाम है? सार्कोप्लाज्म। फिर से बोलो, सार्कोप्लाज्म। तो आज आपको मालूम चला कि ये सार्कोप्लाज्म लिए घूम रहे, बाप रे। तो जैसे यहां प्लाज्मा लेमा थी वैसे यहां सार्कोलेमा है, जैसे यहां साइटोप्लाज्म था यहां पर सार्कोप्लाज्म, और इनके रेटिकुलम का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से बोलो, सार्कोप्लाज्मिक। तो भाइयों बहनों तुम्हें लगेगा कि ये तो सेल ही है यार, बेवकूफ बनाया जा रहा, बस ये एक सेल है और इसकी मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज हो गई तो पता नहीं चल रहा कि सेल शुरू कहां हो रही है, खत्म कहां हो रही। तो बताओ एक न्यूक्लियस की बहुत सारे साइटोप्लाज्म है? नो सर, बहुत सारे। साइटोप्लाज्म का नाम क्या है? सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म के साथ सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड होल्ड ऑन, बोलते हैं किसी भी नॉर्मल सेल जैसी अगर ये भी सेल है तो फिर ये नॉर्मल सेल क्यों है, मसल सेल क्यों? बस यही पॉइंट सीखना है, जस्ट बिकॉज ये अपने साइटोप्लाज्म में, अपने साइटोप्लाज्म, फिर से बोलो, अपने साइटोप्लाज्म में स्पेशल फाइब्रिल रखते हैं, एंड दीज फाइब्रिल आर नोन एज मायोफाइब्रिल। फिर से बोलो, फाइबर के अंदर फाइब्रिल, फाइबर के अंदर फाइब्रिल, एंड दीज आर नोन एज मायोफाइब्रिल। मैं हार गया क्योंकि शायद तुम समझ नहीं पाए। बताओ इस सेल में और उस सेल में एक अंतर बताओ। यहां न्यूक्लियस है? Yes, यहां न्यूक्लियस है? Yes, प्लाज्मा लेमा है? Yes, प्लाज्मा लेमा है? Yes, साइटोप्लाज्म है? Yes, साइटोप्लाज्म है? Yes, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इसके पास मायोफाइब्रिल नहीं है,
इसके पास मायोफाइब्रिल है और ये मायोफाइब्रिल बने हैं दो प्रोटीन के, एक एक्टिन दूसरा मायोसिन, और इसी वजह से भगवान ने इसको चार प्रॉपर्टी दी। कितनी? चार। बोलो, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इस सेल के पास वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास मायोफाइब्रिल नहीं है। तो बताओ मायोफाइब्रिल किसके अंदर? मसल फाइबर। जो बच्चा सीख गया हो राजा बाबू, मसल फाइबर के अंदर कौन है? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल किसके बने हैं? दो, एक कौन? एक्टिन, एक मायोसिन। सारे पिन उठाओ, सारे पिन उठाओ। से सी इफ इट इज अ मायोफाइब्रिल, बोलो क्या है? मायोफाइब्रिल। देन इट इज अ सार्कोलेमा, बोलो सार्कोलेमा। और इस सार्कोलेमा के पास क्या होगा? सार्कोप्लास्ट। फिर से बोलो सार्कोप्लास्ट। बेटा दूसरे पिन का ग्रुप दो। ओके, से इफ इट इज अ मायोफाइब्रिल, इट इज अ मायोफाइब्रिल, इट इज अ मायोफाइब्रिल। कौन सी मायोफाइब्रिल? दीस। अब बताओ ये क्या है? जो मेरी मुट्ठियां क्या है? मसल फाइबर। फिर से बोलो, व्हेन वन मसल फाइबर अटैच विद अनदर मसल फाइबर, यस और नो? यस, दे फॉर्म अ कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज नोन एज एपिमाइसियम। फिर से बोलो, एपिमाइसियम। फिर से बोलो, सॉरी, इट इज नोन एज पेरिमाइसियम, इट इज नोन एज पेरिमाइसियम। फिर से बोलो। तो बताओ एक मसल फाइबर का ग्रुप दूसरे मसल फाइबर के ग्रुप के साथ जुड़ा और एक कवरिंग बनी, नाम क्या है? पेरिमाइसियम। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और शायद दिस ग्रुप, ये किसका है? ओके, हो सकता है कि मैं हार जाऊं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर मेरे पास बहुत सारे रबर बैंड और बहुत सारी चीजें होती तो शायद आज और अच्छी तरीके से समझता, लेकिन मैं फिर भी समझा लूंगा। ए इधर देखो, जल्दी जल्दी बोलो, पहले यहां तक सीखो फिर आगे बढ़ता हूं। स्केलेटल मसल इज अ टिश्यू, टिश्यू इज अ मेड अप ऑफ सेल। यहां पर सेल का नाम मायोसाइट, पर अजीब बात है मायोसाइट बनने के पहले वो क्या थी? मायोब्लास्ट। और मायोब्लास्ट आपस में जुड़ गई थी, सिंसीसियम बनाया था, और इसीलिए स्केलेटल मसल इज यूनिन्यूक्लियर के मल्टी न्यूक्लियेटेड मसल फाइबर में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? मसल फाइबर आज के बाद कभी कोई बोले तो बोलना मसल फाइबर इज नथिंग बट इट इज अ सेल, सेल। और बोलना ये सेल बाकी सेल से अलग कैसे? पहले सिमिलरिटी क्या है? बाकी सेल में प्लाज्मा लेमा, इसमें उसमें प्लाज्मा लेमा, यहाँ सार्कोलेमा, न्यूक्लियस वहां भी है, न्यूक्लियस यहाँ भी है, वहां पर ए, यहाँ पर बहुत सारे हैं, साइटोप्लाज्म है, नाम है सार्कोप्लाज्म। फिर से बोलो, वहां साइटोप्लाज्म, यहाँ सार्कोप्लाज्म, वहां ईआर है, व्हाट इज ईआर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस और नो? और यहाँ पक्का? आपसे मान लो मैंने कट किया और ये एक मसल फाइबर है, बोलो ये भी एक मसल फाइबर है, ये भी एक मसल फाइबर है, ये भी एक मसल फाइबर, अगेन मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल फाइबर। अब जो मैं पूछूं वो बताना, अगर ये सब मसल फाइबर है तो इनके अंदर जो रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर गए हैं बोलो वो क्या है? मायोफाइबर। तो जो ये व्हाइट स्पॉट बना रहा हूं ये क्या है? मायोफाइब्रिल। हां शाबाश, मायोफाइब्रिल है, आपको मालूम चल गया ये मायोफाइब्रिल्स है। तो बताइए जो मैंने आपके सामने अभी अभी बनाया है ये एक मसल फाइबर है लाइक दिस, और इसके अंदर जो ये डॉट डॉट ब्लू कलर के दिख रहे हैं दे आर मायो, दे आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स, ये मायोफाइब्रिल्स। अब इस मायोफाइब्रिल को मैंने कवर किया है बेटा पेरिमाइसियम से, किससे बेटा? पेरिमाइसियम। जैसे मैंने पेरिमाइसियम से कवर किया इट इज नोन एज मसल बंडल,
मसल बंडल ऑल्सो नोन एज फैसिकल. मैं एक एक करके पूछूंगा, आप बताते जाओ, मेरा काम बन जाएगा. पढ़ाइए, व्हाट इज फैसिकल? मसल बंडल. मसल बंडल को चारों तरफ से कवर करने वाला कनेक्टिव टिश्यू. यस, मैं डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक का, आप लोग ओपन करो. सी पेज नंबर 304. चलिए अब देखिए, 304 में जो आपकी मसल से बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा, थोड़ा सा बाहर उभार करके बताओ, उनमें क्या है? मायोफाइब्रिल है. मसल फाइबर. मरवा दोगे तुम मुझे. क्या निकले? पेज नंबर 304. और जो ये मसल फाइबर है, इनको एक बंडल में बांधा गया. नाम बताओ. फैसिकल. फिर सुनो. और बंडल में बांधने के लिए कनेक्टिव टिश्यू चाहिए. नाम है पेरीमाइसियम. फिर सुनो. और भाइयों बहनों, इस पेरीमाइसियम के द्वारा इन्हें बांधा गया. लेकिन यहां पर भी तो कुछ फ्लूड होगा. यस, एंड दैट फ्लूड इज नोन एज एंडोमाइसियम. फिर से बोलो. और एंडोमाइसियम वो जगह है जहां ब्लड वेसल्स पाई जा रही. क्या पाई जा रही है? ब्लड वेसल. बुक देखो, मैं उतना बढ़िया डायग्राम नहीं बना पाऊ. कई बार ये मैं खलता है कि इसमें अगर ये एनसीईआरटी होती तो कितना बढ़िया रहेगा. नहीं, चलो फिर भी सुनो. चलो अगली बार मैं फिर से कोशिश करूंगा. बोलो, ये क्या है? मायोफाइब्रिल. पहले पूरे बोलो, मसल फाइबर. एक चीज आज कसम खा के जाओ कि कभी कोई फाइबर बोलेगा तो हम सेल बोलेंगे. ठीक है? मसल फाइबर इज सेल. पक्का? तो उसके पास क्या होगा? साइटोप्लास्ट. साइटोप्लास्ट में होगा न्यूक्लियस सार्को. तो ये बाकी मसल से, बाकी बेटा सेल से अलग क्यों होगी? इसके पास क्या है? माइक्रोफाइब्रिल. कौन कौन? एक्टिन एंड मायोसिन. तो मैं ये जो डॉट व्हाइट कलर के दिखा रहा हूं, ये क्या है? मायोफाइब्रिल. फिर सुनो. और ये जो बेटा गोल गोल दिखा रहा हूं, ये मसल फाइबर. और इनको जोड़ा गया है किससे? पेरीमाइसियम. फिर से बोलो. अच्छा, पेरीमाइसियम के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? एंडोमाइसियम. शायद अब मदद कर पाओ तुम, शायद मदद कर पाओ. वैसे कर देना चाहिए तुम्हें. चलो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एवरीथिंग इज मसल फाइबर. अच्छा बताओ, जो मैं अब डॉट बनाऊंगा बता पाओगे? बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एवरीथिंग इज मायोफाइबर. अच्छा अब बताना, अब बताना ये क्या है? हाँ, पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम है. अब बताओ ये क्या है? एंडोमाइसियम. बड़े अच्छे बच्चे. क्या आपको मालूम है, आपके सामने एक बंडल और आया. इसका नाम मसल बंडल. फिर से बोलो. और इसी मसल बंडल का फिर से नाम क्या रखा गया? फैसिकल. फिर से बोलो. फैसिकल का मतलब ही होता है मसल बंडल. चलो भाई, एक बार फिर कोशिश करना. काफी मदद कर रहे हो आप मेरी, इतनी कि मैं एहसान चुकाना पाऊं, इतनी मदद कर. चलो भाई बताओ ये क्या है? तो ये क्या है? ये क्या है? ये सब मसल फाइबर. सब मसल फाइबर है. चलो अच्छा, आप बताओ ये क्या है? मायोफाइब्रिल. अच्छा भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया. अच्छा बताओ ये क्या है? समझ में आया? ठीक. नाउ अगेन, दिस इज अगेन अ मसल बंडल. बोलो क्या है? मसल बंडल. सो मत जाना यार. ये फैसिकल, ये फैसिकल, ये फैसिकल. अगर एक और बना पाऊं, धैर्य रख पाओगे? नहीं, चलो इसी में काम करते. याद रखना, इन सारे मसल बंडल को आपस में अगेन एक कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है. That is known as epimysium. बोलो क्या नाम है? epimysium.
एपीमाइसियम, और इसी एपीमाइसियम के बाहर एक बड़ी कनेक्टिव टिश्यू होता, बड़ा कनेक्टिव स्ट्रक्चर होता, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर होता, दैट इज नोन एज फैसिया। अरे दैट इज नोन एज फैसिया। तो अगर आज आप मेरे को, मेरा हाथ, भगवान ना करे, आज आप किसी अपने दुश्मन का हाथ काटो तो पहले क्या काटोगे? स्किन। फिर से बोलो, स्किन हटते आएगी फेसिया। क्या आएगी? फेसिया। जैसे ही तुमने फेसिया हटाई, बोलो क्या आएगी? पेरीमाइसियम। फिर से बोलो, पेरीमाइसियम। और पेरीमाइसियम के बाद आएंगे बंडल्स, वो जो नॉन वेज खाते हैं, वो उन रेसों को खाते हैं। जिन रेसों को खा रहे, दे आर मसल बंडल्स। बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू जो नॉन वेज खाते हैं, आप उसका एहसास जानते हैं? यस yes, उस फाइबर को खाते वक्त दीज आर मसल बंडल्स, और ये मसल बंडल आपस में जोड़े गए हैं किससे? एपीमाइसियम। फिर से बोलो, और एपीमाइसियम के अंदर ये मसल बंडल, और मसल बंडल को चारों तरफ से ढूंढा गया, बोलो किसके द्वारा? बोलो फिर से, बोलो पेरीमाइसियम। क्या कैसे द्वारा? पेरीमाइस। और याद रखना सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? फैसिया। चले देखें आप लोग अंदर तक मेरे साथ कहां कहां चलेंगे, इधर भी ना देखे बोलेंगे। सबसे ऊपर फैसिया, फैसिया के बाद एपीमाइसियम। तो ये क्या है? एपीमाइसियम। ये क्या है? एपीमाइसियम। ये क्या है? एपीमाइसियम। अच्छा, एपीमाइसियम के बाद पेरीमाइसियम। फिर से बोलो, पेरीमाइसियम के अंदर एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम में धसे हुए हैं फाइबर, बोलो क्या? फाइबर। और फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल। फिर से बोलो, मायोफाइब्रिल किसके बने? एक्टिन और मायोसिन। फिर से बोलो, एक्टिन और मायोसिन। मुझे डर है कि तुम्हें संभाल पाओगे, संभाल लोगे? चलो भाई एक बार और बताइए, अगर मैं आज के बाद कभी फाइबर की बात करूं, किसकी? तो फाइबर का मतलब सेल। कौन सी सेल? मसल सेल। मसल फाइबर का मतलब मसल सेल। बताओ मसल सेल एक सेल है कि ग्रुप ऑफ सेल? लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि मायोसाइट, मायोसाइट स्टेज में बेटा फ्यूज हो गई थी कि मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट। तो क्या इनके पास कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म है? और उस कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस की बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और ये बहुत सारे न्यूक्लियस की वजह से इसका नाम है सिंसीसियम। फिर से बोलो, एक न्यूक्लियस की बहुत सारे कंडीशन का नाम मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर से बोलो, आओ आओ इसको रिलेट करें, बताओ अगर नॉर्मल सेल होती तो कौन सी लेमा? प्लाज्मा लेमा। यहाँ क्या बात है, वहां प्लाज्मा लेमा या सार्कोलेमा? हटा दें इसे, अब देखते हैं, तभी मजा आएगी। वहां पर प्लाज्मा लेमा, यहाँ सार्कोलेमा। शाबाश, अभी मैं सबसे नीचे वाली यूनिट में जा रहा हूं। चलो, वहां पर साइटोप्लाज्म, यहाँ पर सार्कोप्लाज्म, वहां एक न्यूक्लियस, यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस। पक्का? उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जस्ट बिकॉज इनके साइटोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल नहीं है, इनके साइटोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल है। Yes, मायोफाइब्रिल किसके बने? एक्टिन एंड मायोसिन। मेरा बच्चा, मेरा दिन बन जाएगा अगर सही ढंग से पढ़ाया। सबसे छोटे मायोफाइब्रिल, फिर से बोलो, मायोफाइब्रिल है साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो, सार्कोप्लाज्म। फिर से बोलो, तो मायोफाइब्रिल है सार्कोप्लाज्म में, कवर किया है सार्कोलेमा। फिर से बोलो, तो मायोफाइब्रिल है सार्कोलेमा के अंदर, तो बना है मसल फाइबर। फिर से बोलो, तो मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल। चलो, तो सबसे छोटा मायोफाइब्रिल, फिर मसल फाइबर। फिर से बोलो, फिर मसल फाइबर के बाद मसल बंडल। फिर से बोलो, और मसल बंडल के बाद मसल टिश्यू। फिर से बोलो, मसल टिश्यू।
नहीं आया, चलो चलो फिर से, मायो फाइब्रिल मसल फाइबर मसल बंडल मसल टिशू, चारों एक ही बात है। आधे से ज्यादा लोग इसे एक ही बात बोलते हैं। सबसे छोटा मायो फाइबर, फिर मसल फाइबर, फिर मसल और फिर मसल। तो चलो अब एक तरफ से चलते हैं, बंडल बनाते बनाए सारे मसल फाइबर, सारे एंडोमाइसियम नाम के फ्लूड में है और उसको कवर किया है पेरीमाइसियम। फिर से बोलो, बहुत सारे मसल बंडल एपीमाइसियम नाम के फ्लूड में है, यस, उसको कवर किया है फैसिया। बोलो किसने, फैसिया। नहीं आया तो अगर सबसे ऊपर से चलोगे तो फैसिया हट गई, फिर एपीमाइसियम हट गई, फिर पेरीमाइसियम हट गई, फिर एंडोमाइसियम हट गई, फिर मसल फाइबर सार्को हट गई, फिर मायो फाइब्रिल। और मायो फाइब्रिल में कितने लोग, दो, एक कौन एक्टिव, एक कौन मायो। एक बार आओ सारे लोग, सबसे ऊपर फैसिया हटा दी, फैसिया हटते ही मिली एपीमाइसियम। बोलो, हट गई, सारे बंडल अलग अलग हो गए। अब बंडल की पेरीमाइसियम हटाई, अंदर एंडोमाइसियम हट गई, फिर असल फाइबर उनकी सार्कोलेमा हटा दी। बताओ सार्कोप्लाज्म हट गया, अब बताओ मायो फाइब्रिल कितने प्रकार के, दो, एक और एक्टिन, एक मायो। चलो अंदर से बाहर चलते हैं, सबसे अंदर मायो फाइब्रिल किसमें, साइटोप्लाज्म में, कौन कवर, सार्कोलेमा, हर एक का फ्लूड, हर एक की कवरिंग बतानी है। बताओ इनके फाइब्रिल का फ्लूड सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म कवरिंग सार्कोलेमा, बंदे का नाम मसल फाइबर, मसल फाइबर का फ्लूड एंडोमाइसियम कवरिंग पेरीमाइसियम, बंदे का नाम मसल बंडल, मसल बंडल के फ्लूड का नाम एपीमाइसियम। बोलो, कवरिंग का नाम फैसिया और बंदे का नाम मसल टिशू। अभी भी डर है मुझे, अभी भी डर है। फिर से एक बार और भाई बोल रहे हैं, एक बार और जनता की मांग पर। फिर से तीन चीजें देखनी है सबका, उसका जिसका भी बात करेंगे उसका फ्लूड, उसकी कवरिंग, उसका नाम। फिर से बोलो, पहले नाम आया मायो फाइब्रिल, बोलो सब लोग मेरे साथ रहो, मायो फाइब्रिल का फ्लूड सार्कोप्लास्ट कवरिंग सार्कोलेमा, बंदे का नाम मसल फाइबर। नाम हो गया, तीन बातें हो गई, बोलो फ्लूड कवरिंग नेम, मसल फाइबर आ गया, नाम मसल फाइबर का फ्लूड एंडोमाइसिन कवरिंग, बंदे का नाम मसल बंडल, क्या फेसिकल है, अब बताओ मसल बंडल का फ्लूड एपीमाइसियम कवरिंग फेसिया, बंदे का नाम मसल फाइबर के टिश्यू, टिश्यू तो सबसे बड़ा मसल टिश्यू बना है मसल बंडल, बना है मसल फाइबर, बना है मायो फाइब्रिल, बना है एक्टिन मायोसिन। अब क्या जान लोगे, नहीं आया, आया तो बताओ स्केलेटल मसल की सबसे छोटी यूनिट मायोफाइब्रिल, बोलो, एंड दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो किसी भी मसल फाइबर में घुसिए, सॉरी किसी भी आप मसल फाइबर के अंदर घुसिए आपको ये मायोफाइब्रिल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मायोफाइब्रिल, बट इन मायोफाइब्रिल में बैंडिंग मिलेगी, कैसे मिलेगी, बैंडिंग, कुछ बैंड मिलेंगे डार्क, बोलो कैसे, डार्क, और कुछ मिलेंगे लाइट, फिर से बोलो लाइट। तो बताइए डार्क और लाइट बैंड में आपको याद रखना है, यस, कुछ बैंड मिलेंगे डार्क और कुछ लाइट। चलो मैं डार्क को मैं दूसरे कलर से बनाते हैं, किस कलर से बनाते हैं, ब्लू से बना देते हैं, चलो भाई ब्लू से बना देते हैं, ओके। फॉर्मूला है थिन अली, क्या बोलेंगे, थिन अली, थिन अली।
याद रखना, एक बैंड मिलेगा थिन बैंड, थिन बैंड, जिसमें प्रेजेंट होंगे एक्टिन। बोलो क्या? एक्टिन, एक्टिन। इसी बैंड को हम लोग बोलेंगे लाइट बैंड, क्योंकि लाइट कलर का होगा। किस कलर का? लाइट कलर। और इस बैंड को हम लोग आइसोट्रॉपिक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक बोलने की वजह से इसे बोलेंगे आई बैंड। फिर से बोलो, आई बैंड। चलो भाई, फॉर्मूला है थिन अली। तो एक बैंड मिलेगा थिन, मैंने थोड़ा सा ज्यादा थिक बनाया, इसे थिन मानो। चलो इसको थिक बांध लो, चलो यहां तक। ये है थिक बैंड। चलो थिन बैंड, कितने प्रकार के बैंड? दो, एक थिन और एक थिक। तो थिन वाला जो बैंड होगा उसमें क्या पाया जाएगा? एक्टिन, ए फॉर। फिर से बोलो, एक्टिन। जो थिन बैंड होगा, देखने में जो पतला बैंड होगा, उसमें पाया जाएगा एक्टिन। उसी का नाम होगा लाइट बैंड। फिर से बोलो, देखने में बहुत ज्यादा डार्क होगा कि लाइट कलर? लाइट कलर, हल्के कलर का होगा। और ये बैंड होगा आइसोट्रॉपिक। फिर से बोलो, आइसोट्रॉपिक। इसके चार बातें हो गई। जो थिन बैंड है उसी का नाम लाइट बैंड है, उसी का नाम आई बैंड है। बोलो क्या? व्हाट इज आई? आइसोट्रॉपिक। और इसमें क्या पाया जाता है? एक्टिन, यस। और दूसरा फॉर्मूला है थिक एमडीए। कुछ लोग इसे मैड लिखना चाहते हैं, पर आप मैड मत लिखिएगा, एमडीए ही लिखिएगा। दूसरा बैंड है थिक बैंड, दिस बैंड इज थिक बैंड। और थिक बैंड जो होगा उसमें पाया जाएगा मायोसिन। बोलो क्या? मायोसिन। जो थिक बैंड है उसमें पाया जाएगा मायोसिन। इसी बैंड को हम लोग डार्क बैंड बोलेंगे, देखने में डार्क दिखाई पड़ेगा, लाइट कलर की डार्क कलर, डार्क कलर। और ये होगा एन आइसोट्रॉपिक। तो अब आपको इस पूरे मसल फाइबर में, फुल मसल फाइबर में दो प्रकार की स्ट्रिप, दो प्रकार की धारियां दिखाई पड़ेंगी। अब इसको ध्यान से देखना बंद करो, अपने मन में सोचो, अब जेब्रा मन में लाओ। आया? लाइट धारियां, डार्क धारे। डार्क वाली कैसी? काली। लाइट वाली? सफेद। तो सफेद काली धारियां बनी होती हैं, वैसी ही यहां पर सफेद काली तो नहीं होती, कुछ किस कलर की? लाइट कलर, और कुछ डार्क कलर। फिर लाइट डार्क अल्टरनेट होती है। तो लाइट के बाद डार्क, डार्क के बाद लाइट, लाइट के बाद डार्क, डार्क के बाद लाइट। इस तरीके की स्ट्रिप्ड बनी होती है। और ये स्ट्रिप है बेटा मायोफाइब्रिल की। बोलो किसकी? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल किन दो टिश्यूज के बने हैं? किन दो प्रोटीन के बने हैं? एक्टिन और मायोसिन। तो ये जो पट्टियां हैं, इनको जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, फिर से बोलो, नॉर्मल के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखोगे तो इनमें धारियां दिखेंगी। नॉर्मल मसल में तो तुम देख ही नहीं पाओगे। तो कितने प्रकार की धारियां? जेब्रा जैसी, सफेद और काली नहीं, लाइट और डार्क। फिर से बोलो, अब लाइट और डार्क को याद करने के तरीके बड़े मुश्किल होते, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है। मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया थिन। तो बताओ, लाइट बैंड इट इज थिन बैंड, जो थिन बैंड है उसमें एक्टिन नाम की प्रोटीन है, उसी में लाइट बैंड है और उसी का आइसोट्रॉपिक नाम है। क्या नाम है? आइसोट्रॉपिक। तो जो दुबला पतला बैंड दिखाई पड़ेगा वो थिन है, देखने में लाइट कलर है, आइसोट्रॉपिक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आई बैंड। फिर से बोलो, आई बैंड। ओके, नाउ डार्क थिक एमडीए, एक बैंड आपको थिक मिलेगा जो मायोसिन का बना है, जो डार्क बैंड है एनाइसोट्रॉपिक बैंड है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ए बैंड। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यूं ही होता है कि जब मैं पूछूंगा ए बैंड में एक्टिन होता है कि मायोसिन,
ज्यादातर बच्चे ए माने एक्टिंग लगा देते हैं और ये क्वेश्चन सही की गलत है। मैं पूछूंगा ए बैंड, कहेंगे एक्टिंग बैंड, नो नो डार्क बैंड, बोलो कौन सा। चलो बोलो, हम लोग किसके अंदर घुसे हैं, मसल फाइबर की मायो फाइबर। क्या मायो फाइबर में हम लोगों ने पट्टियां देखी हैं? कितने प्रकार की? दो, एक कौन और एक डार्क, एक लाइट और एक डार्क। अब जो लाइट है वो बनी है एक्टिव, बोलो किससे? एक्टिव। जो डार्क है वो मायोसिन। तो अगर और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में जाओगे तो आपको एक्टिन और मायोसिन भी अलग अलग दिखेंगे। आज अगर मैंने वो पढ़ाया तो कल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगी। तो फिलहाल आज के लिए बड़ा स्ट्रक्चर मैं यही छोड़ता हूँ। कल मैं आपको एफ एक्टिन, जी एक्टिन और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाऊंगा। कल नहीं, परसों। सो परसों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।